नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युगचरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। चंडीगढ़ पीजीआई अस्पताल में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पीजीआई 206 पोस्टों पर भर्ती करने जा रहा है। ये ग्रुप ए और ग्रुप बी और सी कैटेगरी के तहत की जाएगी, जिसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। ऑनलाइन विंडो 13 जून से खुल जाएगी, जो 13 जुलाई तक रहेगी। इन पोस्टों के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी। वहीं इन पोस्टों के लिए क्वालिफिकेशन से संबंधित जानकारी साइट पर जाकर रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक कर हासिल की जा सकती है। जनरल कैटेगरी के लिए 1500 और एससी एसटी के लिए 800 रुपए फीस रखी गई है। बता दें, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चार्ज अलग से देना होगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि उन्होंने किसी के साथ गद्दारी नहीं की है। सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से बातचीत में खान ने कहा, आज मुझ पर गद्दारी के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मेरी पार्टी को तोड़ा जा रहा, मैंने किसी के साथ गद्दारी नहीं की। सच्चाई ये है कि गद्दारी तो मेरे साथ हुई है। खाना तोशखाना मामले में सोमवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए। अपनी पिटीशन में कहा कि हाईकोर्ट परिसर में मुझे जान का खतरा है, मेरे केसेस किसी दूसरी अदालत में शिफ्ट कर दिए जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनकी पिटीशन खारिज कर दी। पाकिस्तान में तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इमरान को बैन किया जा चुका है। अब वो अपनी बात यूट्यूब चैनल के जरिए रखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने अमेरिका के 4 दिवसीय दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी का ये दौरा 21 से 24 जून तक रहेगा। इस दौरे के बारे में बात करते हुए कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया था कि पीएम मोदी की अमेरिका में जबरदस्त दीवानगी है। बड़ी तादाद में लोग अमेरिकी राष्ट्रपति से इस बात की इच्छा जाहिर करते हैं कि उन्हें पीएम मोदी से मिलना है। पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर भी हैं। ऐसे में अमेरिका में भी उनके लिए दीवानगी होना स्वाभाविक है। स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक यूएसबी ग्रुप एजी ने क्रेडिट कार्ड स्विस बैंक का टेक ओवर पूरा कर लिया है। बैंकिंग क्राइसिस के बीच देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट लेंडर और क्रेडिट स्विस को $3.2 बिलियन ने खरीदा है। दुनिया की सबसे बड़ी बैंकिंग डील का ऐलान सोमवार को यूएसबी के चीफ एग्जीक्यूटिव सर्जिया एरमोटी और चेयरमैन कोम केलेहर ने साझा रूप से किया। उन्होंने कहा कि इस अधिग्रहण से बैंक के ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयर धारकों के साथ ही पूरे स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी के लिए कई नए अवसर खुलेंगे। हालांकि इसके साथ ही नई चुनौतियां भी खड़ी होंगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों और सरकार में बातचीत विफल होने के बाद उन्होंने जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे 44 पर पीपली के पास जाम लगा दिया है। किसान फ्लाईओवर और सर्विस रोड बंद कर लाठियां लेकर हाईवे पर बैठ गए। हाईवे के ऊपर ट्रैक्टर खड़े कर दिए। पुलिस के जाम के चलते वाहनों के रूट डाइवर्ट किए गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पीपली अनाज मंडी में एमएसपी महापंचायत में फैसला लिया गया कि हम अपनी मांगे माने जाने तक हाईवे को बंद रखेंगे, अतः सभी प्रदेशों की इकाई अग्रिम सूचना तक कुरुक्षेत्र पर नजर बनाए रखे और अगले आदेश का इंतजार करे। सरकार की ये दमकारी नीति देश का अन्नदाता बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए यूं बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को